एंटरप्रेन्योर के पास जबरदस्त जज्बा, जुनून, पागलपन होना चाहिए. ही शुड बी लोडेड विद दैट, बिकॉज जितने लोग उसके पास आएंगे, ये बात ध्यान रखो इस बात की, आप चाहो के भी अनजाने में भी आप करोगे, आपके पास आपसे ज्यादा लेवल का जुनूनी इंसान नहीं आएगा आपके काम को लेके. उसका जुनून आपके बराबर होगा या आपसे कम होगा, लेकिन आपसे ज्यादा जुनून का इंसान बहुत ही कम मिलेगा. तो जब आपसे कम इंसान, कम जुनूनी इंसान आपसे मिलेगा, तो वो जाने अनजाने में क्या करेगा? आपका लेवल जुनून का इधर है, उसका लेवल जुनून का इधर है, वो क्या करेगा अनजाने में? वो चूसेगा, आपके जुनून को कम करेगा. और अगर आपका जुनून ऑलरेडी नीचे है, वो आपसे दरिद्र इंसान वो और नीचे मिलता है. तो वी हैव टू क्रिएट जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस, वी डोंट हैव टू क्रिएट ड्वार्फ ऑर्गेनाइजेशंस. तो व्हेन वी से ड्वार्फ ऑर्गेनाइजेशन मींस हम अपने से नीचे लाते हैं, फिर वो नीचे लाता है, फिर वो नीचे लाता है, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन छोटी 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 होती रहती है. हमें लगातार अपना लेवल ऊपर रखना है और लगातार ऊपर लेवल के लोगों को हायर करना है. तो जितना हम ऐसा ऊपर जाएंगे, हम ऊपर के लोगों को लाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर के लेवल के लोग लाएंगे, तो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बनती है. जब हम अपना लेवल नीचे लाएंगे, तो हम अपने से नीचे लेवल का लेके आएंगे, फिर वो अपने से नीचे और लेके आएगा, फिर उसके नीचे और नीचे लेके आएगा, फिर हमारी ड्वार्फ ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है. सो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू कीप ऑन क्रिएटिंग जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन.